हेलो हसीना जी, हम जानते हैं कि वह अचानक हमारी आवाज सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन यह समय उन सवालों का नहीं है। हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले हमें यह बताइए कि क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ, हमारे पास है। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे हसीना जी। सबसे पहले आवश्यकता है आपकी सुरक्षा की। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उस हार्ड डिस्क में सक्रिय गुप्तचरों की एक लिस्ट है, जो अगर देश के दुश्मनों के हाथ लग गई तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी क्षति होगी हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए। उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए हमारे दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। हसीना जी, आपकी जान को खतरा है। क्या? वो आदमी सत्या, असली नाम विक्रांत, घनिष्ठ मित्र था हमारा। दुश्मनों को पता चल गया था कि वो हार्ड डिस्क उसके पास है, उसी कारण उसकी जान गई। और अब दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो हार्ड डिस्क आपके पास है हसीना जी, और उस हार्ड डिस्क तक पहुंचने के लिए वो हर संभव असंभव प्रयास करेंगे। इसलिए आप कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। निकलिए आप वहां से। देखिए, हम थाने में, इससे सुरक्षित जगह और क्या। जी, आपके थाने के दो पिस्तौल, चार राइफल, दो डंडे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप निकलिए वहां से। तो आज का मेरा ये संदेश यहीं खत्म होता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मैडम सर। आपके लिए बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, आपके लिए डिसमेंटल भी हो सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे मैडम सर। इस लिस्ट में आपका नाम भी है, आपने कभी बताया नहीं कि आप। नहीं हसीना जी, ये समय बातों का नहीं है। आप कृपया करके वहाँ से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए, और जहाँ पर भी आप जाएंगी उस जगह के बारे में भी किसी को मत बताइएगा। आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, हमें भी नहीं। और हाँ, एक बात और, जीवित रहिएगा। बहुत कुछ है जो आपसे कहना है। जय हिंद। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम बस कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये मैडम सर अचानक से कहाँ चली गई? नहीं, अच्छा है ना, तब तक बाकी की जो तैयारियां बाकी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और चीता और पुष्पा जी भी आ जाएंगी ना केक और गिफ्ट लेके। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है संतू। हम हाँ, तुम तैयारी करो, हम आते हैं। ओके मैडम, आपका जैकेट। धन्यवाद। मीरा मैडम कहाँ जा रही है? अभी इतना सारा काम पड़ा है। करिश्मा से क्या हो गया, आप इस तरह से क्यों? हाँ माफ कीजिए मैडम सर, पर
हमें ऐसा लगा कि हमें आपके साथ होना चाहिए. मतलब आप जब निकली ना थाने से तो ऐसा लगा हमें हम आ जाएं आपके साथ. नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं. हम बस ऐसे ही कुछ काम से बाहर जा रहे हैं. हम थोड़ी देर में लौटेंगे. हाँ नहीं, मतलब हम आपके साथ आ जाते हैं लेकिन हम आपके काम में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, बस आपके साथ हम आना चाहते हैं. करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम बिल्कुल ठीक है. हम यूं गए, हम यूं आए, अब वापस जाइए. ओके. नहीं मैडम सर, हम जान सकते हैं हम किस काम से जा रही है. मतलब हम आपके साथ आना चाहते हैं. हम बहुत जरूरी पर्सनल काम से कहीं जा रहे हैं. हम आपको क्या, हम किसी को भी वहाँ नहीं ले जा सकते. आप इत्मीनान रखिए, हम वापस आकर आपको सब कुछ बताएंगे. ठीक है, अभी आप जाइए. नहीं मैडम सर, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा कौन सा पर्सनल काम है जो आप हमें नहीं ले जा सकती हैं. हम वापस आकर बात करेंगे. नहीं नहीं, आप वादा कीजिए मैडम सर कि आप अब वापस आएंगे. करिश्मा सिंह, क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बस वादा कीजिए मैडम सर कि आप वापस आएंगे. हम आपसे वादा करते हैं कि हम वापस आएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे. ठीक है, अब जाइए जाइए जाइए. जाते. पता नहीं हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कुछ तो बात है जो मैडम सर हमसे छुपा रही है. मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिस्टम हैक हो गया है. सेल्फ असेसमेंट पर जाओ और पता लगाओ किसने. मुझे आपको मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी. We'll be right back.
उठे आपको कुछ किसने किया? बताइए किसने किया? कौन? अल्लाह कौन है? किसने किया ये? किसने मारा? कौन है? भाई मैया की सासु मैया कौन है हमारे सामने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आओ हमारे सामने, कौन है बताओ? सामने आओ हमारे। मैडम से कुछ नहीं होगा। मैडम आप बताइए, आप उठिए, आप उठिए मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। आपको हिम्मत नहीं आना मैडम सर, आपको हिम्मत नहीं आना। आप आंखें बंद मत कीजिए, आप हमारी बात सुन रही है ना? आंखें बंद मत कीजिएगा, हिम्मत हिम्मत मत हारिएगा, हमारे साथ बने रहिए बस। आपको पता है थाने में सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैडम सर। आपका नहीं, आंख बंद मत कीजिए मैडम सर प्लीज। आपको पता है वो संतू डेकोरेशन कर रही है, आपके आपके बर्थडे के लिए डेकोरेशन कर रही है, आपको इसलिए हम बता नहीं रहे थे, आपके लिए सब बर्थडे सरप्राइज ऐसा प्लान कर रहे हैं। सुन रही है आप हमारी बात को? हे भगवान, मैं आपको बता दिया, आपके बाद किसी को बताइएगा मत, थाने में वो सब लतार देंगे हमको। मैडम सर आंखें बंद मत कीजिए, अभी हमें जाना है, अभी आपका केक काटना है हमें अभी। ये कौन है बे? नहीं मैडम सर, आप आंख बंद मत कीजिए, आंख बंद मत कीजिए, बने रहिए बस बस बस, आने वाला हॉस्पिटल, आने वाला हॉस्पिटल। हाँ मैडम सर, जैकेट पर खून? आप ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ? बोल बोल क्यों नहीं रही है कुछ? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैडम सर कहाँ है?
इनकी जैकेट पे हरम सर का खून है। क्या हुआ मैडम सर को? नहीं रही। चली गई मैडम सर, हमेशा के लिए। हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई मैडम सर। प्रैंक है ना? हाँ, प्रैंक है ना ये। आप और मैडम सर मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बट आई एम बिलू द स्पाई, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। कहाँ है मैडम सर? अरे बुलाइए मैडम सर को, हम लोग पकड़ लिए हैं। झूठ बोल रही हैं आप। देखिए हम लोग तो इसे फोड़ दिए, सजावट भी किए। कहाँ है मैडम सर? ये सच कह रही है। इनकी हार्ट बीट, बॉडी लैंग्वेज और पल्स रेट यही बता रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम सर। हम सबको छोड़कर ऐसे जा ही नहीं सकती। अरे यार जन्मदिन है उनका, इतनी सारी तैयारी करके रखी। अरे सुबह से ये सब तैयारी करते करते हमारी कमर अकड़ गई। और ये मैडम कह रहे हैं कि मैडम सर अब नहीं। ठीक है, आपने हमें बेवकूफ बनाया, बन गए हम सब बेवकूफ। हाँ, दुनिया के लिए होंगे वो देर, गंभीर, विद्वान मैडम सर, मगर हमारे लिए तो हमारे बच्चे, हम माँ माँ है उनकी। अरे हम जानते हैं उनके अंदर ना एक शरारती बच्चा छुपा हुआ है। ये सब जो प्रपंच किया है ना, उसी शरारती बच्चे ने किया हमें सताने के लिए। ये सारी तैयारी देखकर उनके अंदर का जो छोटा बच्चा है ना, देखना वो कितना खुश हो जाएगा। हम सब मिलकर केक काटेंगे, जमकर पार्टी करेंगे, जमकर रसगुल्ले भी खाएंगे। फिर आपके सरप्राइज के बाद ना हम ये जो ताबीज है ना उनके हाथ पर बांध देंगे उनकी रक्षा करने के लिए। और एक बार उनके हाथ पर ये ताबीज बन जाएगा ना, फिर देखना कोई आला बोला उन तक पहुंच भी नहीं पाएगी। और ये मैडम कह रही कि मैडम सर ने, अरे कहीं नहीं गई है वो बस आती होंगी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। बात कर रही है ये सपना है ना? मैं सपना देख रही हूँ ना चीते? आपको पता है मैडम, अभी मैं आंखें खोलूंगी ना सब ठीक हो जाएगा। मैडम सर कहीं नहीं जा सकती हमें छोड़ के। उनको अब ये सपने के बारे में बताऊंगी ना तो वो हंसेंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, आपको पता है उन्होंने प्रॉमिस किया था अंदर मुझे कि वो कल बीट पर जाएंगी मेरे साथ और हम वो नया चाट वाला खुला है ना वहां पे चाट भी खाएंगे। वो कहीं नहीं जा सकती। ये मुझे बहुत गंदा सपना आया, ये बहुत बुरा सपना है। मुझे जगा चाहिए, मुझे उठा जागना है। संतोष, ये सच नहीं है सपना, ये सच है। मैडम सर नहीं है, मैडम सर चली गई, मैडम सर कभी नहीं आएगी, वो हमें कभी नहीं दिखेंगी, वो चली गई।
चली गई और हम ये बात नहीं बोलते अगर हम उन्हें अपनी आंखों के सामने खाई में गिरता हुआ नहीं देखते तो। वो चली गई, गौर अपनी आंखों के सामने खाई में गिर रही थी, हमारे सामने मर गई, हम कुछ कर नहीं पाए, हम पकड़ नहीं पाए उनको, उनको चली गई वापस। इतना गुस्सा आ रहा हमें खुद पे, इतना घृणा आ रही हमें खुद पे कि हम उनको हमको बचा नहीं पाए। हम समझ रहे ना सब हमारी बात को, चले गए मैडम सर, नहीं है मैडम सर, हम नहीं आएंगे तुम्हारे आंखों के सामने कभी भी।